THDC का रिक्रूटमेंट निकला है, और इस यही नहीं काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट अभी निकले हैं। मैं हर रिक्रूटमेंट का वीडियो आपको दूंगा। जेन्युइन जो होते हैं, जो परमानेंट जॉब होते हैं, टेम्प्री बेसिस 1-2 साल का इस उम्र में, जिसका उम्र मान लो 22 साल 23 साल है 25 साल है, मैं मना करता हूँ मत जाओ यार, इससे बढ़िया प्राइवेट नौकरी कर लेना। टेम्प्री बेसिस में मत जॉब करने जाओ किसी में, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, है ना। तो इसलिए जेन्युइन जॉब चाहिए, परमानेंट जॉब का अपडेट चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी खुशी में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अपडेट चाहते हो और फास्ट बढ़िया ऑफर चाहते हो हर चीज़ के लिए, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट नोटिफिकेशन बताऊंगा आपको। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपका 28/2/2024 को आया है, ठीक है जी। आइए यहाँ पर बात करते हैं, ये कंपनी का प्रोफाइल है, कितने बेसिकली इसका हिसाब किताब चल रहा है, इन्होंने बता रखा है, आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो। मैं टेलीग्राम चैनल पर ये सारी चीज़ें देता रहता हूँ। ओके, वैकेंसीज देखते हैं। सिविल का 40 है, इलेक्ट्रिकल का 25 वैकेंसी है, मैकेनिकल का 30 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या है 5 वैकेंसी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो सिविल से हैं वो तो अच्छा कैटेगरी वाइज है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन का, क्या चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, सिविल का बीटेक चाहिए, 60% नंबर चाहिए चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है 30 साल, रेफरेंस क्या लेंगे आप 28/2/2024। और एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 10th एंड 12th कैंडिडेट्स विथ नॉट लेस देन 65 मार्क्स इक्विवेलेंट टू CGPA इन 12th एंड 10th एग्जामिनेशन विल नॉट बी विल ओनली बी कंसिडर्ड। मतलब क्या है, 10th 12th का परसेंटेज भी देख रहे हैं आजकल, 65% 10th 12th में चाहिए, बीटेक में मिनिमम चाहिए कितना परसेंट भाई 60%। कहानी समझ में आ रहा है कुछ? ओके, बहुत सारे बोलते ना टीचर नेट पर परसेंटेज मैटर नहीं करता है, ये दिखा देना उनको इलेक्ट, हाँ परसेंटेज मैटर कहाँ नहीं करता, अपना बिजनेस करने जा रहे हो कुछ प्राइवेट जॉब्स में, वो मैटर नहीं करता है। तो जब मैटर नहीं करता है कहीं तो मैटर करता है मेरे भाई, तो पहले परसेंटेज ले लो, क्या दुखी हो रहे हो। कहानी अपना सुनाए थे बहुत सारे टीचर्स अपने फायदे के लिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच है 60% नंबर, कौन कौन से ब्रांच से आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज, पावर इंजीनियरिंग, ये आपके पास वही चीज़ है 30 ईयर्स का, इन्होंने बोल दिया नोटिफिकेशन। मैकेनिकल का है, मैकेनिकल में करे हैं, उसके बाद मैकेनिकल ऑटोमेशन में करें बीटेक तो एलिजिबल है, 65 मार्क्स इसमें 60% नंबर चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में ये आपका बीटेक होना चाहिए, ये बाकी तो सेम ही चीज़ जो मैंने आपको बताया है। जिसका बच्चे का 60 से कम है 59.99 है भाई एलिजिबल नहीं है आप, जिसका परसेंटेज 10 12th में मान लो 64.99 है वो भी एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, जैसे यहाँ पर तीन चीज़ें होगा बट मोटा मोटा दो चीज़ें, गेट 2023 में जो स्कोर आया वो, उसके बाद GD होगा और इंटरव्यू होगा, यहाँ पर दिखा दूंगा मैं आपको वो चीज़ें। और पेपर कोड क्या होना चाहिए देख लीजिए, CEMEIN, इन्हीं कोड से अगर पेपर दिए आपने जो आपका बीटेक का जो ब्रांच होता है तभी आप एलिजिबल है, नहीं तो एलिजिबल नहीं है मेरे भाई। ओके, सो वेटेज क्या है भाई, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड आपका क्या है ये जो गेट का जो आपका आया है मार्क्स 75%। अच्छा, इन दोनों में बहुत सारे बच्चों को कमजोरी होता है, ग्रुप डिस्कशन परसेंटेज स्पेशली, इन दोनों में बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी का प्रॉब्लम है, अंग्रेजी का प्रॉब्लम है। तो खास बात क्या, देखिए आप अपना अंग्रेजी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जितना हो सकता है, मतलब क्विक टाइम में कर सकते हैं, आप इस कोर्स को बाय कर लेना, ये 499 rupees का कोर्स है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है इसमें, ठीक है, और 499 rupees का है। अगर आपका सिलेक्शन होता है इसका बेसिक के लिए पैसे दे रहे हैं, पर्सनल इंटरव्यू और GD का प्रिपरेशन मैं पर्सनली आपको करवा दूंगा फ्री में, आप मुझे बोलना सर मेरा क्रैक हो गया, ये सबके लिए करता हूँ खाली आपके लिए नहीं, मेरे पास कई बच्चे आते हैं टॉप रैंकर, टॉप 300, 400, 200 रैंकर्स गेट के आते हैं, PSUs का इंटरव्यू में प्रॉब्लम आता है, बहुत सबको आते हैं मेरे पास, मेरे से टिप्स लेके आते हैं, क्रैक भी होता है बिकॉज मैं कुछ खास होता नहीं है, बस छोटे मोटे चीज़ें होते हैं जो उनको बता देता हूँ कर लेते हैं, ठीक है, बस वो पता होना चाहिए बस। तो ये बाय कर लीजिएगा, इसका 499 प्राइस तो है बट 100 rupees और डिस्काउंट मिल जाएगा, उसका प्रोमो को डिस्काउंट कर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन चाहिए, बाय करिए। और अगर सिलेक्शन आपको होता है GD और आपका जो ग्रुप डिस्कशन एंड आपका ये पर्सनल इंटरव्यू, इसका प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा, ग्रुप डिस्कशन में टॉपर रहा हूँ काफ़ी बार भाई, मतलब क्या
पोजीशन गेन करा काफी बार, लॉट ऑफ टाइम्स। ओके आइए बात करते हैं नेक्स्ट, बाकी जो बच गया इस नोटिफिकेशन उसके बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पर्सनल इंटरव्यू में 15 नंबर और ग्रुप डिस्कशन में 10 नंबर, 25 नंबर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें। ओके नेक्स्ट हम बात करें कंपेंसेशन पैकेज की, बात करते हैं कितना आपको हेल्थ, देखो हेल्थ का इंपॉर्टेंट रहता है भाई इसमें, सब जॉब में हेल्थ चाहिए। कम सैलरी की बात करते हैं, देखो इसमें दो पैकेजेस हैं, एक है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ये लगभग 12 लाख के आसपास सीटीसी बनेगा आपका, आफ्टर ट्रेनिंग नॉट लेस देन 14-15 लाख सीटीसी, ठीक है। साथ में क्या बेनिफिट मिलता है, मेडिकल का बेनिफिट मिलता है, पीएफ का, पेंशन का, ग्रेच्युटी का, उसके बाद अच्छा उसके बाद क्या, किसी भी हॉस्पिटल लो यार कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज में आपका, ये एचआरए का बेनिफिट मिलता है, डीए का बेनिफिट मिलता है, और भी बहुत सारे हाउस बिल्डिंग एडवांस लोन्स का बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे बेसिकली आपको मेडिकल कंप्यूटर लैपटॉप लोन, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ इंडिपेंडेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इस जॉब में। ओके खाली ये नहीं, बहुत सारे जॉब मिलते हैं यार। ओके सो रजिस्ट्रेशन फी कितना लगेगा आपका, 600 रुपया लगेगा, और नो फीस फॉर SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन JK JNK डोमिसाइल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दूप क्षेत्र ऑफ TSDC, ये मुझे पता नहीं यार, हो सकता है वहाँ का जगह हो कोई। ओके सर्विसमैन कितना होगा, 7,50,000 का होगा, और 10 लाख का 7,50,000 का। ओके प्लेसमेंट का बता रखा है इन्होंने, एज का जो आपका एज का जो रेफरेंस डेट मानेंगे, ये मानेंगे इस पर डेट कितना होगा देखा जाएगा इसमें। और एक चीज़ बता दूंगा आपको मैं, कहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा, इसी जगह पर फॉर्म भरेंगे, thdc.co.in पर फॉर्म भरेंगे, एंड आपको हाउ टू अप्लाई पर बता चुका हूँ ऑलरेडी, उसी में अप्लाई करना पड़ेगा आपको, और कुछ खास उसमें है नहीं, दिस इज दैट। एंड इसमें एक चीज़ और है जो मुझे बताना है आपको, दिस वन लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, तो स्टार्ट हो रहा है 28 से, लास्ट डेट क्या है 29-3 लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का। इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और इंग्लिश का अगर प्रॉब्लम सही में आपका है, इंटरव्यूशन चाहिए अभी आपको, बाय करिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, थैंक यू।